मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में वापसी कर सकते हैं। गुरुवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई है। ऐसी चर्चाएं हैं कि कमलनाथ को कांग्रेस संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। आंतरिक मतभेदों का सामना कर रही कांग्रेस के संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावनाएं हैं और इसमें कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की भी अटकलें लगाने लगे हैं। बात 1999 की है, जब रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति के लिए राज्यसभा में वोटिंग होनी थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राज्यसभा के नेता भी। इससे पहले लोकसभा में भी इस पर वोटिंग हुई थी, जिसमें फैसला यूपीए के पत्र में आया था, लेकिन राज्यसभा में मामला थोड़ा पेचीदा था। विपक्षी पार्टी भी यह जानती थी और इसलिए उन्होंने वोटिंग का प्रस्ताव रखा था। राज्यसभा में यूपीए की हार से सरकार की सेहत पर खास असर पड़ने की आशंका नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने का डर था। संभावना यह भी थी कि जीतने पर विपक्षी पार्टियां दूसरे मुद्दों पर भी सदन में वोटिंग पर जोर दे सकती थी, जो सरकार के लिए आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकता था। यूपीए की जीत तभी संभव थी जब समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी उससे पक्ष में वोट करती। वहीं सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ थी। वोटिंग के दिन सदन शुरू होने से ठीक पहले तक विपक्षी पार्टियां बेहद उत्साह में थी, उन्हें यूपीए की हार तय लग रही थी। वोटिंग के दिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोलना शुरू किया तो सदन में मौजूदा कमलनाथ अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पता था कि वे क्या बयान देने वाली हैं। इससे पहले तक मतदान से अलग रहने की घोषणा कर चुकी मायावती ने कहा कि यदि विपक्ष की जीत होती है तो फिर सरकार पर हमले करने का एक और मुद्दा मिल जाएगा। सदन की कार्यवाही में रुकावटें आएंगी और कई महत्वपूर्ण बिल अधर में लटक जाएंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।